हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। दिस इज टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड इन द इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोच के आते हैं कि भाई देखते हैं कि भाई डेली 30 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स कमोडिटीज और फोरेक्स तो अलग ही चीज है, तो इसमें से मैं कैसे बेनिफिट हो सकता हूँ। एक लालच आ जाती है कि मुझे भी इतना पैसा कमाना है भाई, बट ये इतना इजी टास्क नहीं है। यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट कि देर आर 95% फेलियर होते हैं स्टॉक मार्केट में, एंड ओनली 5% कैटेगरी पैसे लेके चले जाते हैं, दैट इज अ स्मार्ट मनी। मतलब यहाँ पे वीक हैंड से स्मार्ट हैंड पे पैसा ट्रांसफर होता है ऑलवेज। मतलब जो बड़े जाइंट है, जो बड़ा 5-5 हज़ार करोड़, 2 हज़ार करोड़, 3 हज़ार करोड़ लेके बैठे है, वो स्मॉल ट्रेडर का पैसा लेके चले जाते। क्यों? क्योंकि स्मॉल ट्रेडर को ओनली पैसों से इंटरेस्ट होता है, उनको नॉलेज से इंटरेस्ट नहीं होता। दे डोंट वांट टू लर्न द टेक्निक्स, उनको कैसे ट्रेडिंग करना है, ऑर्डर कैसे डालना है, ये भी लोगों को पता नहीं होता, एंड दे स्टार्ट द ट्रेडिंग एंड पूरा पैसा गवा देते हैं। इवन 90% पब्लिक तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसे गवाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा इंट्राडे का स्ट्रेटेजीज देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि कैसे हम लोग देख सकते हैं बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है वो देख सकते हैं, एंड प्रॉपर नॉलेज होना उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरा स्टोरी भी लास्ट टाइम शेयर किया था। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 to 25 lakhs इन पास्ट 10 to 12 years। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2006, बट 2012, 13, 14 तक तो मैं लॉस तो इसमें ही था, इवन इन्वेस्टमेंट में, बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। देन जब मैंने 3-4 साल खुद को दिए सीखने के लिए, देन आई एम इन दैट स्टेज कि चलो आज 100-200 लोग सुनने आते हैं, या भाई ये बंदा कुछ तो बोलने वाला है। तो वो स्टॉक सिलेक्शन कैसे, वो एक्सपीरियंस से सब हो जाता है, बट वो जो मैंने स्ट्रगल किया है, तो मेरे भाई बंधु को वो स्ट्रगलमेंट ना हो, इसके लिए फ्री वेबिनार में अरेंज करते रहता हूँ। देखो मैं पहले ही 15 साल टीचिंग में था, तो मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ तो मेरा नॉलेज कम तो होने वाला नहीं, मेरा नॉलेज तो बढ़ने वाला ही है। क्योंकि नॉलेज देते देते वो अपना खुद की भी गलतियां पता चल जाती है कि मुझे क्या करना है जो मैं दूसरे को सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी एक सेल्फिश हूँ कि मेरा भी फायदा हो जाता है कि भाई मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ पे तो वो बैठ जाता है। बहुत जन आते हैं कि सर मैंने यूट्यूब पे सीखा है, यहाँ पे किया, वहां पे किया। मैं एक बार बता दूँ, यूट्यूब पे हर एक जो ट्रेनर होता है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, कि क्या करना है वो हम लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, बट क्या नहीं करना है ना वो स्पेशली ट्रेनिंग में ही बताया जाता है। हर एक ट्रेनर जो है वो अपने ट्रेनिंग में बताया, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अभिमन्यु जी का उदाहरण देता हूँ, महाभारत के अभिमन्यु जो थे, कि उनको अंदर चक्रव्यूह में जाना कैसे था वो पता था। लाइक यूट्यूब से सुना है कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है, बट बाहर कैसे आना है वो नहीं पता, तो मौत तय है ना। ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी, कि अंदर कैसे जाना मैं बता भी दूं आज, या यूट्यूब पे भी बता भी दिया, बट क्या नहीं करना वो आपको ट्रेनिंग में पता चलता है, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ता है। किसी का भी करो, मेरा करो या किसी और का करो, ठीक है, एज यू विश। चलो आज हम लोग चालू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्स्ट जो होता है वो मतलब मार्जिन, जो अभी सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कितना मार्जिन लगेगा, क्या होगा, वो एक बार मैं पहले बता देता हूँ। अभी सेबी ने 25% मार्जिन किया है फ्यूचर्स के ऊपर, मतलब जो भी कुछ फ्यूचर्स का एक लॉट होगा उसका 25% मार्जिन आपको लगेगा। वो मार्जिन कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं होती, हर एक ब्रोकर के यहाँ पे नीचे मार्जिन कैलकुलेटर आ जाता है, या आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, लेटर से अभी बैंक निफ्टी का एक लॉट 1.7 का आता है, 1.75 लाख, तो उसका 25 मतलब 40-45 थाउजेंड आपको एक लॉट बैंक निफ्टी में लगता है। निफ्टी में भी सेम 40-45 लाख का, मतलब ऑन एन एवरेज ऑल फ्यूचर स्टॉक्स को अगर इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करना है तो 30,000 to 1 lakh आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लगेगा आज के तारीख में। बट यही और कुछ आने वाले 6 to 7 मंथ में वो फुल मार्जिन लगेगा फ्यूचर्स में। तो आई रियली डोंट नो कि फ्यूचर्स में लोग ट्रेड कर पाएंगे जो आज वेबिनार में आए अटेंड कर पा रहे। आई डोंट नो कि जिनके पास 10 लाख होगा, क्योंकि एक्चुअल मनी लगेगा ना। मतलब रिलायंस का एक लॉट खरीदना है मुझे, अभी 500 का लॉट है, तो 500 इंटू जो भी कुछ प्राइस होगा इंटू 2000, मतलब 10 लाख, मतलब रिलायंस का एक लॉट इंट्राडे में भी आपको अगर करना है तो 10 लाख का मार्जिन रखना पड़ेगा। इसके लिए फिर लोग ऑप्शंस में करते हैं। ऑप्शंस क्या है, कैसे होता है, वो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अज्यूम टू बी कि आपको ऑप्शंस बेसिक पता है, ठीक है। जो लोग को ऑप्शंस नहीं पता है तो गुड न्यूज, एज ए नॉट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट गुड न्यूज है कि अपना ऑप्शंस का कोर्स चल ही रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दोज आर इंटरेस्टेड मुझे पिंग कर सकते हैं आफ्टर दिस वेबिनार। तो
तो सेकेंड थिंग, हम लोग ऑप्शंस के बारे में आज जानेंगे। ऑप्शंस में क्या होता है, जितना मार्जिन है, जो कुछ लॉट होता है और जिसका भी ट्रेडेड प्राइस चल रहा है, उसका जितना भी कुछ मार्जिन है वही पे करना होता है। मतलब ऑप्शंस आपका, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, वर्ल्ड का मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, मैं सबके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो एक लॉट लेने के लिए 5-6 हजार भी सफिशियंट है। बट मैं बोलूंगा कि इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद एटलीस्ट मिनिमम 25,000 फॉर द इंट्राडे, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में कर रहे हो। एंड स्टॉक्स ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है, तो मिनिमम 60 to 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होते हैं। एक एक लॉट 2,000, 3,000 का, 5,000 का होता, तो एक दो पॉइंट का मूवमेंट नीचे भी आपका 10,000 रुपीज जा सकता है। तो जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड मत कीजिए। इनिशियली यू स्टार्ट विद 5 to 6 month इन निफ्टी, आफ्टर द नेक्स्ट 5 to 6 month इन बैंक निफ्टी। तो एक साल पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, पैसे गवाओ। मैं ऐसे नहीं बोलो कि पैसे मिलेंगे, और जो मिस्टेक्स होंगे वो डेली लिख के रखो, आफ्टर दैट यू विल बी अ गुड ट्रेडर, ठीक है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि भाई आप 15,000 रुपया अकाउंट में डालो और रोज एक एक लॉट पे ट्रेड करो, जो मैं सेटअप सिखाऊंगा। ऐसा समझो कि वो 15,000 रुपया जीरो होने वाला है, ठीक है। गलतियां देखो, इट्स लाइक अ स्विमिंग, कि मैं यहाँ से स्विमिंग के इंस्ट्रक्शन दे दू, बट आप एक्चुअल गेम ऑफ ट्रेडिंग में नहीं उतरोगे तो प्रॉब्लम होगा ना। बहुत जन मुझे ये भी बोलते, सर रिटर्न कितना आएगा? भाई ट्रेडिंग में रिटर्न का आप पूछूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में डेली का भी 100% मिल सकता है, डेली भी, इफ यू हैव अ गुड कमांड। क्योंकि निफ्टी का 10 रुपए का 100 होने के लिए, या बैंक निफ्टी में 2 रुपए का 500 होने के लिए टाइम नहीं लगता। 2 रुपए का 500 वैल्यू मैंने बताया अभी, लास्ट उस लास्ट थर्सडे मैंने देखा था, जब भी बैंक निफ्टी गिरा था 2 या 3 रुपीज का पुट ऑप्शन 350 हो गया था, 300 रुपया हो गया था, तो 3 रुपए का 300 रुपया हो गया था। तो इतना बड़ा मूवमेंट्स मिलते हैं एक दिन में, बट एक दिन में उतना जाता भी है, तो उसके लिए यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट। तो इनिशियली वी कैन स्टार्ट विथ सम कैंडलस्टिक पैटर्न, और कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के बाद हम लोग थोड़े बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे। मैं अगेन बोलूंगा कि इंडिकेटर इज अ लैगिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको प्राइस एक्शंस इज अ सुप्रीम। तो दोज आर इंटरेस्टेड, पहले प्राइस एक्शन सीखो, एक बार प्राइस एक्शन आ गया ना, तो उसको फिर आप इंडिकेटर का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। और देखो ना, मतलब जब भी हम लोग कोई कार खरीदते हैं, तो कार के एक्सेसरीज हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, बट इंजन मेन चीज है ना। सेम है वैसे कि ये भाई मेन इंजन है, प्राइस एक्शन मतलब उसमें कैंडल इज अ मेन पार्ट, तो वो अगर आपको आता है तो यू विल बी द किंग इन द मार्केट यूजिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स तो सेकेंडरी है, तो प्राइस एक्शन में पहला आता है कैंडल्स। कैंडलस्टिक में भी बहुत सारे टाइप है, उसमें जो बेसिक मुझे जो यूज करने होते हैं ना, वो मैं आज पहले बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हम लोगों ने बताया था लास्ट टाइम कि देर आर टू टाइप्स के कैंडल, थे जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बहुत ही बेसिक है। एक होता है ग्रीन होता है, और एक होता है रेड कैंडल होता है। ग्रीन मतलब मार्केट बुलिश कैंडल में होता है, और रेड मतलब मार्केट बेरिश में होता है। बेरिश में मतलब मार्केट गिर रहा है, और बुलिश मतलब मार्केट बढ़ रहा है। बुल एंड बियर ऐसे एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो जनरली ये इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रीन और रेड में डिफरेंस क्या होता है, ओपन और क्लोज का ही डिफरेंस होता है। अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे ओपन हुआ है और क्लोज अपर साइड में होता है। दैट इज, ऐसा जब भी कुछ सिचुएशन होगा, मतलब कोई चीज अगर 100 पे ओपन हुई है और क्लोज हुई है 105 पे, 105, और हाई उसने मारा है 107 का और लो उसने मारा है 99 का, तो तभी मेरा ऐसा ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि क्लोज जो भी कुछ है मेरे ओपन से बड़ा है। रेड कैंडल का भी बनता है, जब भी ओपन होता है लेटेस्ट से मेरा 500 पे, हाई मारा 510 का और क्लोज हुआ है 495 में, लो मारा है 490, मतलब क्लोज जो भी कुछ है वो ओपन से रिड्यूस है, लेस देन है, तभी मेरा रेड कैंडल बनेगा। दीज आर द कैंडल के टू टाइप्स, ये बेसिक पता होना चाहिए कि मार्केट क्या चल रहा है, ग्रीन है कि रेड है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम उन्होंने देखा था। अभी कैंडल्स के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स आपको पता होना बहुत जरूरी। जो मैं स्टैंडर्ड टाइप यूज करता हूँ, जो बेसिक है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग। एक एंगल्फ होता है, एंगल्फ मतलब क्या, एक छोटे कैंडल को एक बड़ा कैंडल खा जाता है, दैट इज एंगल्फ करता है। एक मछली होती है ना, तालाब की, एक छोटी मछली को बड़ी मछलियां खा जाती है, तो ये बड़ा मछली है, ये छोटा मछली है।
मतलब क्या एक रेड कैंडल्स के यहाँ पे एक स्मॉल बेरिश बॉडी के सामने एक बड़ा ग्रीन कैंडल खड़ा हो जाता है, और जब ये कैंडल का हाई जब भी जाता है, ये कैंडल का जब भी हाई लेके जाता है बुलिश एंगल फिंगर, तभी प्राइस बहुत ऊपर के बाजू में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब एक रेड कैंडल के सामने एक बुलिश एंगल फिंग अगर खड़ा है, ठीक है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे होगा, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मैं इंट्राडे सेटअप पे आ जाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये बुलिश एंगल स्विंग होता है। ये देखो, ये मैंने बताई, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये सीएट का एक चार्ट है जो एक्चुअली मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका एक वीडियो मैंने डाला था, वो आप देख सकते हो डाउ थेरी के यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो एक रेड कैंडल था, रेड कैंडल के सामने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आके खड़ा हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। और जब भी ये बुलिश एंगल स्विंग नियर टू द सपोर्ट इन द डाउन ट्रेंड, इन द डाउन ट्रेंड बोल रहा हूँ मैं, और जब ये हाई चला जाएगा, एट दैट टाइम मार्केट विल गिव द बिग रिएक्शन, जो उसने दिया है यहाँ पे रिएक्शन, मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक 100-200 पॉइंट्स मूवमेंट कर गया आफ्टर दिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल स्विंग कैंडल। यहाँ पे भी आपको एंगल दिखेगा, ये डाउन ट्रेंड था, फिर ये रेड कैंडल एंगल फॉर और ये चला गया, पर ये बहुत बड़ा एंगल स्विंग था डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल स्विंग। ठीक है, मतलब रेड कैंडल के सामने एक बड़ा कैंडल आ सकता है। अब ये कहाँ पे देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, बहुत जिनको प्रॉब्लम होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, ये डेली का टाइम फ्रेम है, यू कैन यूज 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 30 मिनट्स का, डेली का, वीकली का, मंथली का, ईयरली का, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पैक्ट। ये बात समझ, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इम्पैक्ट, मतलब यही बुलिश एंगल में मुझे वीकली में अगर दिखा तो मेरे टारगेट भी बड़े बड़े रहेंगे। अगर मैं 5 मिनट में दिखा तो मेरा 5 रुपए का टारगेट रहेगा, मैं मंथली देख रहा हूँ तो 500 रुपए का टारगेट भी हो सकता है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। और ये लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई मुझे टारगेट क्या रखने हैं, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटे टारगेट रहता है। ठीक है, जैसे अपना बुलिश एंगल्फिंग हुआ, वैसे अपना है बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में के बाद एक मतलब मार्केट यहां से बढ़ना चालू होता है, उसके बाद में एक जो ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल के सामने एक रेड कैंडल आ जाता है। रेड कैंडल कैसे फॉर्म होता है मैंने बताया, और जैसे ये रेड कैंडल का लो जब भी जाएगा तभी मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। कितना बड़ा गिरेगा, कैसे रहता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हम लोग कैलकुलेट कर, बट दीज आर द मार्केट इम्पैक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, जो न्यू लर्नर्स को, जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा एक पैटर्न बेरिश, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था, यहां से देखोगे तो ये पूरा अप ट्रेंड था, यहाँ पे भी एक था बेरिश एंगल फिंग, बट ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे जहां पे मुझे दिखेगा, ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे बेरिश एंगल फिंग मिला, और इसका जब ये लो गया तो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, यहाँ पे भी आया इम्पैक्ट थोड़े दूसरे दिन, बट फिर से मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि ये नियर टू रेजिस्टेंस नहीं था। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिखा, ये भी बेरिश एंगल फिंग है, मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर, बट इसने भी देखो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट फिर से इसने नीचे गया, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये नियर टू रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी देखो ये नियर टू रेजिस्टेंस था एंगल, मतलब मार्केट गिरने के चांसेस, मतलब अभी मार्केट बहुत बुलिश है, अभी के मार्केट पास आएंगे तो हम लोग ये पैटर्न अभी देख सकते हैं, बेरिश एंगल्फिंग मुझे मिलेगा क्या। फिर और दो पैटर्न्स भी है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये दो पैटर्न्स मैं बताता हूँ आपको, ये भी दो पैटर्न बहुत काम करते हैं, मैं जनरली यूज करता हूँ। हैमर, हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा देखा रहेगा सबने, मतलब ये बड़ा वीक होता है लोअर, उसको शेडोज भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैंडल में क्या देखा हम लोगों ने, दोनों बाजू में शेडोज होते हैं ना, मतलब नॉर्मल कैंडल जो भी कुछ होगा, लेटेस्ट से ऐसा नॉर्मल कैंडल अगर है तो इसके ऊपर भी शेडो होता है, नीचे भी शेडो होता है, बट हैमर में क्या होता है, इधर ओपन और हाई देखो सेम ही रहता है, क्लोज नीचे होता है और बड़ा सा दंडी रहता है, दैट इज लो प्राइस। वो ग्रीन हैमर भी हो सकता है रेड, बट दोनों का इम्पैक्ट सेम रहता है। हैमर का भी एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर मुझे कुछ हैमर के जैसा अगर कुछ दिखा है तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर लोअर में मुझे कुछ ऐसा कुछ हैमर मिला है, उसका एक सिग्निफिकेंस भी बहुत है। जैसे आप लोग वास्तु शास्त्र देखते घर में,
भाई मंदिर यहाँ पे होना चाहिए, पूजा का मंदिर, या पानी रखने का घड़ा यहाँ पे होना चाहिए, या मेरे सोने का तरीका यहाँ पे, तो वैसे ही हर एक कैंडल का फॉर्मेशन कि वो कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना वो देखना मैंने, कहाँ पे नहीं होना चाहिए उसके लिए फिर ट्रेनिंग ज्वाइन करना पड़ता है आपको कि कहाँ पे होना, तो ये सब मार्केट में कि कहाँ पे हैमर कहाँ पे होना चाहिए, जैसे डाउन ट्रेन में नीचे के बाजू में रहेगा तो हैमर होना चाहिए, बट कहाँ कहाँ पे नहीं होगा तो आपको ट्रेन नहीं लेना है, वो कहाँ पे अवॉइड करना है मुझे, वो मुझे पता होना बहुत जरूरी होता है। तो दीज आर द हैमर। वैसे होता है एक इन्वर्टेड हैमर होता है, उल्टा हथौड़ा, मतलब एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे देखो ठीक है, तो ये हाई है, ये क्लोज है, ये ओपन है, थोड़ा सा लो भी होता है कभी कभी, या नहीं हुआ तो भी ये ओपन और लो सेम ही रहता है, और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप देता है वहां पे। इन्वर्टेड हैमर जनरली एट द टॉप में बहुत बेरिश होता है, इन्वर्टेड हैमर। तो अभी मार्केट अगर बहुत बड़ा हुआ है तो अभी मैं ये दो पैटर्न देख सकता हूँ, एक बेरिश एंगल और एक इन्वर्टेड हैमर, ये अगर दो पैटर्न मुझे देखे तो मेरे लिए बहुत यूजफुल होगा। उसके साथ और दो भी कुछ है, एक होता है बुलिश हरामी और एक होता है बेरिश हरामी, ये भी एक पैटर्न बहुत फेमस है। बस मैं ये पांच कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। बुलिश हरामी क्या होता है, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल के सामने एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल आ जाता है। हरामी इज अ जापनीज वर्ड, ये जापनीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, तो हरामी इज लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी को भी हरामी के टाइप में बोला जाता है, प्रेग्नेंट लेडी हम लोग जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे हरामी बोलता है। तो ये बुलिश हरामी कैंडल जो भी कुछ है, एक लेडी के जैसा दिखता है, ये लेडी है और ये उसका एक छोटा बच्चू है जो पेट में है, उस टाइप का ये पैटर्न दिखता है, इसके लिए इसको बुलिश हरामी बोलते हैं। और बेरिश हरामी टॉप में दिखता है कि मेरा जो भी कुछ ग्रीन कैंडल है उसके सामने ये रेड कैंडल आ जाता है। जनरली यहाँ पे भी हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि इसका जब तक हाई नहीं जाता इसका या इसका, तब तक हम लोग लेंगे नहीं। अगर आप सेफ हो तो इसके हाई के ऊपर लो, एग्रेसिव हो तो इसके हाई के ऊपर ले सकते हो। बेरिश हरामी में आइदर इसके लो के नीचे या इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, मतलब ये लॉन्ग शॉर्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। लॉन्ग मतलब अगर मैं बुलिश हूँ मुझे बाय करना है तो हम लोग लॉन्ग बोलते हैं फ्यूचर्स में टर्म, अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं शॉर्ट करता हूँ, तो फ्यूचर में मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं कैश में शॉर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इंट्राडे में कर सकता हूँ, डिलीवरी बेस में शॉर्ट नहीं होता। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे प्राइस बहुत बार आके ऊपर जा रहा था बहुत बार, और यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, बुलिश हरामी में ना एक डाउन ट्रेंड था और नियर टू द सपोर्ट मुझे ये मिला, जैसे इसका हाई जा रहा है मेरा टारगेट, ये मारुति का लाइव ट्रेड है जो हमने ट्रेड लिया था, ये एक्चुअली ट्रेड लिया था हमने, ठीक है, जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ सब एक्चुअल ट्रेड है, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। ये बुलिश हरामी सबको पता चला, डाउन ट्रेंड था फिर एक कैंडल के सामने एक छोटा सा बेबी आ गया, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी। एक बेरिश हरामी है एट रेजिस्टेंस के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस जोन आया, दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे देखो प्राइस 3 4 बार जाके रेजिस्टेंस करी और एक बेरिश हरामी कैंडल बना, जैसे इसका लो चला गया मार्केट ने तोड़ना, फिर से ऊपर जाने का, फिर से तोड़ा, फिर से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस तो आपका यही रहता है, ये स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ, ये ऊपर जाके भी फिर से ऊपर आया, अब फिर से शॉर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है, दिस इज बेरिश हरामी कैंडल्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ वीक टू वीक, हाँ वीक के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। बाद में होते हैं डोजी कैंडल्स होते हैं, ये दिख रहा है ग्रेवस्टेन डोजी, नॉर्मल डोजी और ड्रैगन फाइट डोजी, ये सबको डोजी, ये नाम नहीं याद होगा तो भी चलेगा, सबका नाम डोजी है ऐसे ही समझ लो आप, दीज आर द डोजी कैंडल्स ओनली, ये नीचे है ऊपर है वो अलग अलग नाम दे, बट मैं सबको डोजी बोलता हूँ। नॉर्मल कैंडल ऐसा होता है ना बॉडी बड़ा हो रहता है और ये ऐसे बराबर है, यहाँ पे क्या रहता है ओपन और क्लोज प्राइस सेम हो जाता है या एकदम नियरेस्ट होता है तभी डोजी कैंडल होता है। डोजी कैंडल मतलब इनडिसाइसिव सिचुएशन होते हैं, इनडिसाइसिव सिचुएशन मतलब मार्केट किधर जाएगा मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता रहता, एट दैट टाइम ये ऐसे इनडिसाइसिव सिचुएशन आते हैं, जनरली नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे इनडिसाइसिव जो भी कुछ है कैंडल्स बहुत मायने रखते हैं। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इसको हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं, हैमर के जैसा बना, देखो हैमर एट द बॉटम बहुत बड़ा ट्रेंड था, ये देखो ये ग्रेवस्टोन डोजी बट इन्वर्टेड हैमर के जैसा ही दिख रहा है, ये भी
ये अलग अलग नाम दिए, बट ये डोजी एट द टॉप रहेगा ना, दैट इज इनडिसेबल। लाइक अप ट्रेंड था उसके अंदर डोजी है, तो भाई ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है, कभी चेंज होगा, जब इसका लो चला जाएगा एट दैट टाइम आप देख सकते हो, इज दैट क्लियर। बाद में होता है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है और एक इवनिंग स्टार पैटर्न, वो सिंगल कैंडल पैटर्न हमने देखा, जो 5 कैंडल पैटर्न देखा, कौन से देखे? पहला देखा हम लोगों ने बुलिश एंगल्फिंग देखा, बाद में देखा बेरिश एंगल, ये एक ही पैटर्न हमने देखा, बुलिश एंगल बेरिश एंगल, बाद में देखा हमने हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, हैमर नीचे होता है, इन्वर्टेड हैमर ऊपर होता है, एक बुलिश हरामी होता है, एक बेरिश हरामी होता है, बराबर है। बाद में उन्होंने देखा डोजी पैटर्न देखा, कि हर एक में डोजी होता है, ठीक है। बाद में होता है ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कि एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद ये ऐसा कुछ पैटर्न आ जाता है 3 कैंडल्स पैटर्न का, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मतलब ये ऐसे होता है और ये ऐसे करके ऐसे एक डब्ल्यू फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे टाइप में हो जाता है डब्ल्यू फॉर्म। कभी कभी नहीं हुआ तो भी देखने का है, मिडल कैंडल जो होता है वो लो होता है, यहाँ पे जनरली एक डोजी होता है या एक हैमर होता है, फिर एक बुलिश एंगल्फिंग आ जाता है टाइप का कैंडल, और 3 कैंडल का हाई जब भी ब्रेक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसका हाई जाने के बाद यू कैन टेक द एंट्री, और ये इसका लो मतलब स्टॉप लॉस होता है, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये ऐसे 3 कैंडल्स का पैटर्न जब भी दिखेगा तभी। वैसे ही एक होता है इवनिंग स्टार पैटर्न, कि एक मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बोलो ना, वहां पे हैमर होता था, यहाँ पे जनरली इन्वर्टेड हैमर टाइप डोजी वैसे कुछ होता है, फिर ये कैंडल कंफर्म करता है कि भाई ये इवनिंग स्टार हो गया है, और फिर इसका लो जाने के बाद यू कैन शॉर्ट द मार्केट, और फिर मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगेन ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स का प्रोबेबिलिटी जनरली 70-60% ही होता है, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दिखा, इवनिंग स्टार दिखा मतलब मार्केट गिरना ही चाहिए, या मॉर्निंग स्टार दिखा तो मार्केट बढ़ना ही चाहिए, ऐसे कुछ होता नहीं है। दीज आर वर्किंग एज अ 60-70% ही होता है, बट ये डेली जब भी आप चार्ट देखोगे ना तभी जाके आपको समझ में आता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप मेरे यूट्यूब को, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, जनरली फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो डेली 1 से 2 चार्ट, या टेलीग्राम चैनल कि जहां पर मैं डेली 2 से 3 चार्ट तो पोस्ट करता ही हूँ, ठीक है। सैटरडे संडे पोजिशनल चार्ट शेयर करता हूँ, जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, या हेड एंड शोल्डर होता है, या ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, दैट इज प्योरली प्राइस एक्शन, बिकॉज आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, कि मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन उसको पहले इंपॉर्टेंस देता हूँ, उसको ही आपको पहले इंपॉर्टेंस देना है। आफ्टर दैट आपका सेकेंडरी आता है, दैट इज अ इंडिकेटर, और थर्ड आता है आपका एग्जीक्यूशन, दैट इज अ प्रॉपर माइंडसेट। ये 3 ट्रैक पे होना चाहिए। लोग ये पहले 2 को इग्नोर करते हैं, कि प्राइस एक्शन तो इग्नोर ही होता है 90% ट्रेडर के, इसमें डायरेक्टली दे स्टार्ट विद द इंडिकेटर और डायरेक्टली इंडिकेटर लगाते हैं, नो रिस्क मैनेजमेंट नो मनी मैनेजमेंट, और स्टार्ट करते हैं और लॉसेस पे लॉसेस करते जाते हैं। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो ये 2 चैनल मेरे ज्वाइन करो, इन सब प्रोसेस आप डेली वैसे चार्ट देखोगे, घर पे जाके ड्रॉ करोगे वैसे ट्रेंड लाइन, मैंने जैसे ड्रॉ किया है या कोई अदर चैनल पे, तो आपको वैसे प्रैक्टिस होते जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट रिक्वायर्स मिनिमम मिनिमम 6 मंथ का प्रैक्टिस प्राइस एक्शन के लिए, और वो जितना आप ज्यादा देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न देखा, ये हम लोग अब थोड़ा भी लाइव मार्केट में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे चलता है। दिस इज अ निफ्टी जो इंडेक्स है अपना, कि अपना इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स कैसे डिनोट करता है, वो ये डिनोट करता है। अभी आप क्या देखोगे, तो देखो ना निफ्टी अप ट्रेंड में है यहां से, और ये लास्ट पास कुछ दिनों से अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि एवरीडे डोजी फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या, एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से 11,600 से 13,700, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का वन वे रैली दिखा चुका है, वन वे रैली। आप देखोगे तो ना यहाँ पे एक ये कौन सा कैंडल फॉर्मेशन आया था देखो, हाँ इसका लो जाना चाहिए था, जो लो नहीं गया एक्चुअली, और फिर बाद में मैंने बोला ना टॉप में हुआ तो वो आना चाहिए, लो जाना चाहिए, वो लो नहीं गया, जस्ट थोड़ा सा वीक है और मार्केट ऊपर चला गया। नाउ ऐसा ही एक पैटर्न मुझे अभी यहाँ पे टॉप में चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे, तो या अदरवाइज एक इन्वर्टेड हैमर होना बहुत जरूरी है, या एक बेरिश हरामी होना बहुत जरूरी है, इसमें से कोई भी एक पैटर्न आ गया ना यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी सैचुरेशन पीक पे है और इसको टूटना है अभी, कभी टूटेगा आई रियली डोंट नो,
बट इसको टूटना है। टूटने के बाद पहला टारगेट मेरा यहां तक तो आना चाहिए, 13,353.80 तक। ये जो लाइन है इसको ये टच करेगा। आज का वेबिनार याद रखना, मे भी ये 31 दिसंबर के पहले पहले आ जाएगा इधर। ये दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, क्योंकि दो तीन चार डोजी यहाँ पे ही सब, मतलब 13,380। और फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है, डेली पे मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, अगर मार्केट ऊपर से गिरना स्टार्ट हो गया तो ये 3 टारगेट्स उसको उसको बता सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले आप जो भी चार्ट ओपन करोगे, हाँ मैं पहले ये बता रहा था ना, एंगल फिंग बता रहा था। देखो ये ऊपर था, फिर यहाँ पे एक बेरिश एंगल फिंग है, जैसे उसका लो चला गया उसने दे दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये डेली में था तो इसे बड़ा टारगेट है। मतलब जैसे उसका 11,300 का लो चला गया, वो कहाँ तक गया था, 11,800 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का रैली दिया उसने। यहाँ पे देखो एक कौन सा टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये बुलिश हरामी टाइप का एक कैंडल हो चुका है। यहाँ पे बेरिश एंगल फिंग था जो नहीं चला। यहाँ पे देखो ये कौन सा टाइप का कैंडल था, ये दिख रहा है, ये एक इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल पैटर्न था, ये भी एक इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल था। यहाँ पे देखो एक बुलिश एंगल फिंग था बॉटम के, यहाँ पे एक बुलिश एंगल फिंग मिला, एक मॉर्निंग स्टार भी ऐसे टाइप का दिख रहा है। अगर इसको वीकली में देखोगे ना, एक मॉर्निंग स्टार एक हैमर दिखेगा आपको यहाँ। तो आपको ये कैंडल पैटर्न्स काम करते हैं जो आपको देखना पड़ेगा, ये पहले सीखना पड़ेगा, जो मैंने 5 कैंडल पैटर्न्स आपको जो बताया उससे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक होता है निफ्टी और एक होता है बैंक निफ्टी। जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए 5,000 भी सफिशियंट है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप अगर कर रहे हो, 6 महीने के बाद ये 5,000 का 10,000 लग सकता है, जब ये फुल मार्जिन लगेगा या सब कुछ होगा एट दैट टाइम। बट पहले सेफ साइड आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ही करो, उसमें से सेफ होता है निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी इज टू मच वोलाटाइल। एक ही टाइम में 2-3 मिनट में देखो ना कितना बड़ा मूवमेंट, 600-700 पॉइंट्स का मूवमेंट आ जाता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी अगर चार्ट देख मैं आपको बताऊं, अब बाय द वे जो न्यू कमर्स है, ये चार्ट्स के लिए कौन सा साइट यूज करना, मैं tradingview.com साइट यूज करता हूँ, वैसे investing.com भी है, ठीक है, या आपका जो भी कुछ ब्रोकर होगा, ब्रोकर का जो भी कुछ होगा उससे आप कर सकते हो। क्या कर रहा, देखो लास्ट 1 वीक से दीज आर द प्राइस एक्शन, एक छोटे छोटे कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डेज से एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। मतलब ये रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है, ये रेंज और यहाँ का ये रेंज नीचे का रेंज, तो ये दोनों में से कोई भी एक रेंज ब्रेक करेगा तो ढिशम मार्केट, ठीक है। कभी गिरेगा, क्या गिरेगा मुझे नहीं पता, बट गिरना। ये कौन सा पैटर्न है, दिस इज बेरिश एंगल फिंग, एक टॉप में बेरिश एंगल फिंग, उसके बाद में मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी बेरिश एंगल, बट उसका लो नहीं चला गया, तो लो और इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट अभी एक सैचुरेशन पीक में आया है एंड हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर चाहिए, या ये सबका जाके, अगर ये डोजी का सबका लो चला जाता है मार्केट, मुझे सब लोग पूछते हैं कभी गिरेगा मुझे नहीं पता, तो ये लो जब भी चला जाएगा 30,300 जब भी ब्रेक करेगा, तभी मेरा नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट टारगेट ये रहेगा, ये यहाँ तक उसको आना है, मतलब 29,000। तो मतलब यहाँ पे एक 1,000 पॉइंट्स का रैली, और फिर ये चला जाएगा तो फिर यहाँ तक उसके आने के चांसेस ज्यादा है। कभी गिरेगा क्या होगा आई रियली डोंट नो, बट एक वन वे रैली हो चुका है तो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, या ऐसे भी हो सकता है, मतलब गिरेगा ऐसे नहीं, बट ये हाई अगर चला गया, मतलब 31,000 जिस दिन उसने क्लोजिंग दे दिया, तो एक 32,000 और 33,000 के लिए उसके पाथ ओपन है उसके लिए, ठीक है। तो आई एम नॉट प्रेडिक्ट कि गिरेगा ही, बट लेवल कंफर्म करना मेरा काम था। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना होता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में दो तरीके होता है, एक होता है इंट्राडे, मतलब आज का माल आज ही खरीदो और आज ही बेचो। तो इंट्राडे में अगर आप ये टाइम फ्रेम लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जन इंट्राडे में करने के लिए अवरली और डेली चार्ट पे जाते हैं और फिर इंट्राडे में करते हैं, नहीं वैसे नहीं चलेगा। आप इंट्राडे में कर रहे हो और अगर आप
निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो यू एनालाइज फॉर डेली आवरली पे एनालाइज को, बट आपका जो एंट्री होना चाहिए एंट्री एग्जिट दैट शुड बी ऑन द 5 मिनट्स 3 मिनट्स और 15 मिनट्स, सिर्फ 3 टाइम फ्रेम में होना चाहिए। 15 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाता है बैंक निफ्टी में, 15 मिनट मतलब आजकल खेल खत्म हो जाता है। तो 3 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स ये 3 टाइम फ्रेम के इसमें आप काम कर सकते हो। किसमें मैंने बोला निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे तो ये आपका टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम आप यहां से चेंज कर सकते हो, दैट इज अ फर्स्ट। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, इंट्रा मतलब आज का माल आज ही बेचना है, तो आपको कम से कम 15 मिनट 30 मिनट्स ये 2 टाइम फ्रेम एनालाइज करना है, और फिर एक्सपर्ट होने का तो आप 5 मिनट भी जा सकते हो। जनरली लोग एक्सपर्ट जो होते हैं वो 5 और 15 यूज करते हैं स्टॉक्स में, बट मेरे हिसाब से 15 मिनट एक आइडियल है। आपको एक प्राइस एक्शन वगैरह प्रॉपरली समझ में आता है, बट इंडेक्स कर रहे हो तो 5 मिनट आइडियल है, स्टॉक कर रहे हो तो 15 मिनट। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं ये यूज कर रहा हूँ इंडेक्स के लिए 3 मिनट्स, स्टॉक्स के लिए 5 मिनट, बट अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए ना तो उतना फटाफट पता चल जाता है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो 5 मिनट करो इंडेक्स के लिए और स्टॉक्स के लिए 15 मिनट करो, दैट विल गिव द गुड अच्छा रिटर्न आपको वहां पे मिलेगा। तो ये टाइम फ्रेम का बात खत्म हो गया। अभी करना कैसे है, इफ यू आर अ न्यू बेबी न्यू बॉर्न बेबी हो कि अभी जस्ट आपको स्टार्ट करना है तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी नहीं करोगे, यू स्टार्ट विद द इक्विटी, रिलायंस है बजाज फाइनेंस है जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें ही डेली करो, तो रोज स्टॉक्स ढूंढने का आपको तकलीफ नहीं होगा। और आपको कितने क्वांटिटी में करना है डेली 5 या 10 क्वांटिटी, क्योंकि आपको सीख रहे हो ना। न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग डायरेक्टली एक्सपर्ट ट्रेडर के जैसा ऑप्शन में नहीं ट्रेडिंग करते। मैं बहुत जन यार ये गलती मैंने भी की थी, आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद द पहले इन्वेस्टमेंट किया था बट उसके बाद डायरेक्टली ट्रेडिंग मैंने फ्यूचर ऑप्शन में किया, तो डायरेक्टली लॉसेस 5,000 10,000 ही देखे थे मैंने, ऐसे 1,000 100 रुपया का लॉस कभी देखा ही नहीं। तो वो गलती वो हो गया उसको 10 12 साल हो गए, बट वो गलती आप मत करो। इफ यू आर न्यू बॉर्न बेबी ना तो यू कैन स्टार्ट विद द इक्विटी, 5 10 इक्विटी से करो। देखो मार्केट ना आने वाले 100 200 साल में भी ऐसे ही रहने वाला, आपका पैसा आज है वो कल रहेगा कि नहीं पता नहीं ना, तो आपको सेफर हैंड से यूज करना है उसको। तो यू स्टार्ट विद द 10 स्टॉक्स, वो 10 स्टॉक्स के मैं नाम बोलता हूँ, बहुत जन मुझे तो मैं कौन से स्टॉक्स में करूँ, आप मैं 10 स्टॉक्स बोलता हूँ, सिर्फ आप वही 10 स्टॉक्स देखिए रोज, वही 10 स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। अगर आप नए हो बिगिनर हो तो फर्स्ट स्टॉक्स रिलायंस, सेकेंड बजाज फाइनेंस, थर्ड कोटक, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, मारुति, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीडीलाइट, बाटा, ये 10 12 स्टॉक बहुत हो गए। ये कौन से स्टॉक्स है, ये हाईली मोमेंटम वाले स्टॉक्स है कि जिसका ऑलवेज एटीआर मिनिमम 10 to 20 पॉइंट्स रहता है, एक दो स्टॉक छोटे छोटे मोटे छोड़े, मतलब क्या मतलब रिलायंस देखो तो डेली 10 20 पॉइंट का मूवमेंट देना है उसके बिना चलता नहीं है रिलायंस को, देखो ये रिलायंस का स्टॉक्स है तो आप रिलायंस में ट्रेड करो। फिर इसमें अगर आपको प्राइस एक्शन अगर आता है तो प्राइस एक्शन में बहुत कुछ आता है, एक ट्रेंड लाइन आता है, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है और ये ट्रायंगल किसी भी साइड फट सकता है, मुझे नहीं पता कौन से डायरेक्शन में फटेगा, बट ये ट्रायंगल जो भी कुछ है ये देखो यहां से ये ट्रायंगल फटेगा कोई तो एक डायरेक्शन, आप देखोगे आने वाले अगले हफ्ते में कोई तो एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है रिलायंस में, आइदर अपसाइड 100 पॉइंट्स का या डाउनसाइड 100। अभी समझ लो ये प्राइस 2000, तो नेक्स्ट वीक जब भी हम लोग मिलेंगे सैटरडे तो देखना रिलायंस में ऊपर के बाजू में 100 पॉइंट या नीचे के बाजू में 100 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल, तो आप कैच करो। और ये ऐसा स्टॉक है कि एक ही दिन में दे देता कभी कभी 50 100 पॉइंट्स। देखो ना सारे ये बड़े कैंडल देखो, सबको बड़े कैंडल ही दिखेंगे आप, तो ये पैटर्न हो गया, तो ये प्राइस एक्शन हो गया। तो पहला सुप्रीम इज अ प्राइस एक्शन, फिर आता है इंडिकेटर जो मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है। लोग डायरेक्टली इंडिकेटर करते हैं रॉन्ग 3, तो इसके बाद आपका एक बड़ा एक्शन आने का स्टार्ट है, तो ये मैंने डेली में देखा, फिर उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा 15 मिनट या 5 मिनट, तो ये मेरा एक्शन ऐसा ट्रायंगल बन चुका है। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तभी मुझे एंट्री लेना है। ये ट्रायंगल कहाँ पे तो ब्रेकआउट होगा ऐसे, ये मैं ड्रॉ करके रखा है, मैंने डेली में ड्रॉ करके रखा है ये, बट मेरा 5 मिनट में भी काम कर दो, 5 मिनट में जब भी जो साइड में वो ब्रेक करेगा, बट 5 मिनट में अगर ये भी ब्रेक कर लिया ये 2000 तो भी मैं एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस थे जो उसने ब्रेक करना था, ठीक है। तो ये मेरा जो था
प्राइस एक्शन हो गया, तो आप रिलायंस ले सकते हो, एशियन पेंट ले सकते हो, कोई भी स्टॉक्स में। देखो ना अभी ये सपोर्ट था ना, ये देखो ना ये तो आपको सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। तो सपोर्ट क्या रहता है कि बहुत बार प्राइस वहां पे आके ऊपर बाउंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट। देखो यहाँ पे तो दीज आर द सपोर्ट, तो सपोर्ट से ही कल घूमा रिलायंस। और रेजिस्टेंस मतलब क्या, जहां पे ये रेजिस्टेंस है क्यों वहां पे जाके अटका, तो पहले जितनी बार प्राइस ने वहां पे रिजेक्ट किया था दैट इज कॉल्ड एज रे, तो कल अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसके 90% चांस है कि वो 2040 तक जाए। और अगर कल ये ब्रेक करेगा 1964 तो उसके और नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्क पता चल जाए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत जरूरी है। तो मैं मेरे प्राइस एक्शन में इसका एडवांस पार्ट सिखा दो, दैट इज स्विंग हाई स्विंग लो विथ मोमेंटम ब्रेकआउट कैसे करना, वो हम लोग एडवांस पार्ट में देखते हैं, ठीक है, जो मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स होता है। अभी तो मेरा ऑप्शंस का कोर्स चालू है, दोज आर इंटरेस्टेड वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट हो गया, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइस एक्शन आ रहा है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। अभी थर्ड पार्ट होता है, दैट इज बहुत जन को प्राइस एक्शन नहीं समझ, सर मुझे नहीं समझ में आता। लेट अस से हम लोग इन्फी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने एनालाइज किया था इन्फोसिस टीसीएस दोनों भी, डायरेक्टली यहाँ पे वो डायरेक्टली गैप अप हो गया था, ठीक है। अभी ये तो 15 मिनट का चार्ट है, इसको अगर डेली पे अगर करूँ तो यहाँ पे देखो क्या था, ये यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न ही था, यहाँ पे देखो ना एक ट्रायंगल पैटर्न ही था, और ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट वो दे रहा था यहाँ पे दिख रहा है, और उसने वो डायरेक्टली जो हाई था वो हाई ब्रेक कर लिया उस दिन। उसके लिए फिर वो इन्फोसिस हम लोगों ने दिया था, और आईटी स्टॉक्स जो किसी ने पूछा, न्यूज बेस, न्यूज बेस मतलब मैं देखता हूँ कि सेक्टर कौन सा न्यूज बेस है। सेक्टर जैसे ये वीक के दो सेक्टर ही, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो फार्मा और आईटी, नेक्स्ट वीक भी मेरे दो ही सेक्टर, एक फार्मा और आईटी, अगर मोमेंटम होगा तो ये दो सेक्टर में होगा, बाकी सारे सेक्टर वीक है। मतलब ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इसके ऊपर प्रेशर है, मीडिया सेक्टर है, इसके ऊपर प्रेशर है। मीडिया सेक्टर भी अभी न्यूज में था, इसके लिए सन टीवी, जी बिजनेस, जी न्यूज, ये दो स्टॉक्स बहुत रडार में थे। तो आपको सेक्टर फोकस कर, तो मैं किसी ने पूछा सर आप न्यूज देख, मैं न्यूज नहीं, पर्टिकुलर स्टॉक का तो न्यूज कभी भी नहीं। अगर मुझे न्यूज पता चला कि भाई इसका न्यूज आने वाला है आईटी का, आईटी को इम्पैक्ट होगा कुछ, अगर डॉलर प्राइस कुछ गिर रहे हैं या बढ़ रहे तो फिर आईटी के दिग्गज कौन है? आईटी के दिग्गज दो या तीन ही है, टीसीएस है, एचसीएलटेक है और इन्फो, ये तीन के अलावा मैं कॉल नहीं देता, या कभी विप्रो दिया था। या बैंकिंग में अगर करना है तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीएसआई, ये बैंकिंग के लीडर्स है। ऑयल सेक्टर में अगर कुछ करना है तो रिलायंस मेरा लीडर है, या रिलायंस तो सभी इसमें लीडर है, ठीक है। अगर पेंट में कुछ करना है तो फिर अपना एशियन पेंट है, पीडी लाइट है, उस टाइप में हम लोग कुछ देख सकते। तो ऐसा मैं सेक्टर वाइज देखता हूँ न्यूज, पर्टिकुलर वो नहीं देखता, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ, वो रूल को फॉलो करो, मोर देन हैप्पी, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम लोग इंडिकेटर में आते हैं, इंडिकेटर में आके हम लोग एक मूविंग एवरेज ऐड कर लेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड कर लेंगे। मैंने एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड कर लिया, और यहाँ पे इसमें मैं गया, मैं इसको, ये भी प्राइस एक्शन का भी एक पार्ट है, बड़ा मूविंग एवरेज मैं ले रहा हूँ, मैं 50 का एक मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, 50। मैंने स्टाइल चेंज कर लिया, यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा थिक कर लिया, और ओके, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, और 50 डे का मूविंग एवरेज काफी अच्छा चल रहा है। इफ यू आर ए इन्वेस्टर तो आप देखो, जो भी कुछ प्राइस में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट वो प्राइस डेली में 50 डे मूविंग के ऊपर होना चाहिए, और उसका स्लोप अप ट्रेंड में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अप ट्रेंड ना, देखो ना ये अप ट्रेंड में है, यहां से अप ट्रेंड में है। जब ये प्राइस स्टॉक के आजू बाजू में इवॉल्व कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज साइडवेज ट्रेंड, तभी वो 50 डेज फ्लैट हो जाएगा, तभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तभी आप ट्रेड भी नहीं ले सकते, तो नहीं लेना भी। डाउन ट्रेंड क्या होता है, स्लोप डाउन साइड होता है और प्राइस नीचे के बाजू में होता है। देखो ये डाउन ट्रेंड है और ये साइडवेज एक्शन है पूरा, तो ये थ्री ट्रेंड है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग 50 डे का प्राइस एक्शन का स्टडी, बेसिक प्राइस। बहुत जन मूविंग क्रॉस ओवर के भी ट्रेड लेते हैं, आई हेट मूविंग मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर होता है,
उसके ऊपर ट्रेड करने लगा, क्योंकि वो पास में अच्छे ट्रेड्स बताता है, बट लाइव मार्केट में क्रॉसओवर आपको बहुत डिले देगा। तो मैं क्रॉसओवर नहीं, सिर्फ एक सिंगल मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हो। आप 50 का करो, 200 का करो, इसके ऊपर मेरे सेटअप्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 50 डे का बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी बताया, अगर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी करा तो मैं 5 मिनट का ट्रेड लगाता हूँ, 5 मिनट या 3 मिनट। एक मेरा ये होता है कि अगर वो 5 मिनट में अगर ऊपर है, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है, अपसाइड में है, तो मेरा बुलिश क्राइटेरिया होता है ये जो इन्फोसिस का है। तो मार्केट उस दिन बुलिश ही था, गैप अप हुआ, उसके बाद उसने मस्त में ट्रेंड लिया और एंड में थोड़ा सा क्लोज हो गया, बट जब तक तो वो 50 डे के ऊपर है मुझे ट्रेड लेना था। आप 5 मिनट करो या 15 मिनट करो, जब ये वो साइडवेज रहेगा ऐसे, तो समझने का कि भाई इसमें आज ट्रेंडिंग जोन नहीं है। जब ये वो 50 डे मूविंग एवरेज को ऐसे क्रॉस ओवर करके वो अपसाइड में जाता है, तो समझने का कि भाई ये अप ट्रेंड में है और ये डाउन ट्रेंड में है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है ना, तो यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा, ये तो शॉर्टिंग के लिए है ना, ये शॉर्ट के लिए करना है, और ये अप जा रहा है तो बाय के लिए। और ये फ्लैट अगर ऐसा दिख रहा है तो ये मुझे नो ट्रेडिंग जोन है। तो ये 3 तरीके मैंने यहाँ पे आपको बताया, कभी नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन था। क्यों? क्योंकि 50 डे का एक्शन देखो, पूरा फ्लैट था, ये डाउन ट्रेंड है जो करना था मुझे ट्रेड, ये अप ट्रेंड है ये करना था मुझे, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई भी आप 50 डे मूविंग एवरेज से कर सकते हो। ये था मेरा 50 डे मूविंग एवरेज, इसको आप निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मैं निफ्टी ट्राई करता हूँ, तो आपका एक कन्फर्मेशन रहेगा। उस दिन देखो ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ से कितनी बार वो पहले डाउन हुआ, यहाँ पे अगर पता रहेगा तो यहाँ पे मैंने पुट दिया था। अब जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जाके चेक करो, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने बोला सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, 50 डे चैनल भी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे मैंने पुट दिया और हम लोग का टारगेट भी आ गया था। मैंने पेड चैनल में भी दिया था मेरे, और मेरे यहाँ पे भी दिया था। तो मैं 50 डे का, जैसे 50 डे का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, देखो हर्डल लिया, रेजिस्टेंस ले रहा था कितनी बार तक, फिर ये कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। ज्यादा कैंडल थ्योरी कि ये कैंडल ने कंफर्म, जो 50 डे का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था। अगर आपको देख देख आप अगर देख सकते हो, देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद जो कंसल, फिर ये कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हो तो भी चल जाएगा। मतलब ये कैंडल के बाद आपको एंट्री अगर लेना है तो 13700 का आप कॉल ले सकते हो, तो जो ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पे जाने का। या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, जिनको ऑप्शन देखना है तो ऑलवेज एट द मनी वाला कॉल लेने का। एट द मनी वाला कॉल मतलब क्या होता है, एट द मनी वाला कॉल मतलब जहां पे प्राइस चल रहा है उसका स्ट्राइक प्राइस का जो है, उसके आगे पीछे जो एक स्ट्राइक प्राइस होता है, जो ऑप्शन चेन एनालिसिस में होता है, जो आने वाले कमिंग लेक्चर्स में अगर मुझे लगा तो हम लोग लेक्चर्स लेके कवर अप कर लेंगे, तो वहां पे आप एंट्री करके देख सकते हो। तो एक बेसिक जस्ट 50 डे मूविंग एवरेज में लगा, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, और बेसिक प्राइस एक्शन बता। तो यहाँ पे ये ट्रेड था। सेम एज अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर देखना है, तो ये आपको पता चला कि उस दिन 2 ट्रेड बने और दोनों ट्रेड में प्रॉफिट, जस्ट आपने 50 डे ऐड किया, बाकी कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे था, फिर उसके बाद में ये मिला, फिर ये ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद में ये मिला, दोनों जगह पे 100 100 पॉइंट मिले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई एक मूविंग एवरेज, मेरे एडवांस बैच के स्टूडेंट्स है कि जिनका फीस 1 लाख रुपीज है, या जो मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट है वो लोग ने भी ज्वाइन किया जिनका फीस 30 35,000 है, जो मेरे ऑप्शन बैच के स्टूडेंट जिनका फीस 12,000 है, उनको मैं सबको बोलता हूँ कि एक मूविंग एवरेज भी आपका लाइफ चेंज कर, जस्ट आपको प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। सेटअप कितने चाहिए, मेरे पास 100+ सेटअप है जो मार्केट में बहुत अच्छे से चलते हैं। मैंने मेरे सारे बैच में, एडवांस बैच में, प्रो बैच में बहुत अच्छे अच्छे 80 90% वाले हीट रेशियो वाले सेटअप सीखे, बट सारे ट्रेडर नहीं बने अच्छे अभी तक, क्योंकि सब लोग बता रहे सर माइंडसेट रिक्वायर है, पता चल रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है, बट तभी एक्शन लेना जो होता है वो एक्शन कभी आता है कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस कभी आएगा प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस कभी आएगा जब आप रेगुलर चार्ट देखोगे, मार्केट में बैठोगे। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को बैठना नहीं है स्क्रीन के सामने, लोगों को मोबाइल पे ट्रेडिंग करना होता है। दैट इज द फर्स्ट रॉन्ग थिंग कि मोबाइल पे चार्ट देखते और मोबाइल पे ट्रेडिंग, अरे रॉन्ग थिंग, इट्स टोटली रॉन्ग। मतलब मेरा भी आईज का इन्फेक्शन था, क्योंकि मैं मोबाइल पे नहीं, मैं लैपटॉप में था, क्योंकि भाई मुझे चार्ट देखना है तो आप ही डिसाइड करो ना, आपको मूवी देखना है तो आप मोबाइल पे पसंद करोगे, टीवी पे पसंद करोगे, या स्क्रीन में पसंद करोगे। बट ऑब्वियस थिएटर में बड़े स्क्रीन का बड़ा मजा, वैसे लैपटॉप का बड़ा मजा है। कभी मुझे एकदम इन डेप्थ करना तो मैं मेरे टीवी को कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप, तो बड़ा स्क्रीन दिखता है मुझे। अगर 7 8 स्क्रीन एट अ टाइम दिखा तो बड़ा टीवी है, कंप्यूटराइज है, तो उसको कंप्यूटर लैपटॉप अटैच है तो 8 स्क्रीन का, तो बड़े चार्ट दिखते हैं ना, तो बड़े चार्ट में फिर और पता चलता है। फिर ये मोबाइल में मुझे नहीं पता चलेगा ये ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, ये सब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हो गया, फिर ये कैंडल के यहाँ पे तो एंट्री लेना ही था मुझे।
जो लाइव मार्केट में पता चलेगा, जस्ट ये 50 डे मूविंग एवरेज से मुझे पता चला। यही मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ। आप कोई भी स्टॉक बताओ, मैं मंडे का कोई भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 50 डे। देखो ये ओपनिंग ही कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ओपनिंग का ही कैंडल ये बड़ा था, ये कैंडल के बाद ये कैंडल का लो जैसे ही गया, आप जाके चेक करो, मैंने ऑप्शन मतलब मेरा जो पेड ग्रुप है उसमें भी दिया था, ठीक है। ये रैली में नहीं दिया क्योंकि बाद में बहुत बार ये साइडवेज हो गया था, बट ये भी ट्रेडिंग वाला ही था क्योंकि यहाँ पे देखो ये जैसे ही ब्रेक हुआ, ये पैटर्न दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न, ये जैसे ही ये ब्रेक हुआ उसके बाद उसने 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है, फिर आके फिर से कहाँ पे चिटका, 50 डे मूवमेंट। तो 50 डे इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल जो मैं मेरे चार्ट में लगाता ही रहता हूँ। 50 है, 200 है और कुछ मेरे स्पेशल मूविंग एवरेज है वो मेरे चार्ट, बट सिर्फ एक सिंपल मूविंग एवरेज से भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये था मेरा मूविंग एवरेज का, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं पहले सब खत्म कर लेता हूँ, मेरा जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, एंड आफ्टर दैट आपके क्वेरीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक पैटर्न मुझे सिखाना है, अभी हम लोगों ने देखा एक हाफ एन आवर अपना ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गए कि जिसमें हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखा और जिसमें हम लोगों ने देखा 50 डे मूविंग एवरेज का रोल क्या है। अभी हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे और एक इम्पोर्टेंट, दैट इज अ हेकेनशी कैंडल। यहाँ पे ये जो भी कुछ थे एक नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल ट्रेडर को ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी यही हेकेनशी कैंडल अगर मैं लगाऊं तो आपको पता चलेगा ये नॉर्मल कैंडल, एक ग्रीन होता है एक रेड होता है, ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये अगर मैं हेकेनशी जापानीज कैंडल है, इसमें बहुत अच्छे से आपको पता चलता है, देखो ना ये ग्रीन 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 है, मतलब मुझे भाई बाय में रहना है, ये जहां पे ग्रीन है अवरली में मुझे बाय जोन में रहना है, जब ये रेड होगा तो मुझे सेल जोन में रहना है। अभी कौन सा जोन चल रहा है मेरा, परसों रेड था, रेड के बाद अभी ग्रीन हुआ है, तो अभी मेरा बाइंग जोन हो सकता है मंडे के दिन क्योंकि ये ग्रीन है। तो एटलीस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में आप एक बार देख लेने का कि भाई कौन सा जोन चल रहा है। यहाँ पे थ्री टाइप के कैंडल होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मतलब बड़ा डाउन ट्रेंड होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब बड़ा बुलिश ट्रेंड हो सकता है, और एक डोजी टाइप होता है, दैट इज अ साइडवेज एक्शन, उस पर हम लोग को ट्रेड नहीं करना होता। आप इसको अवरली देख सकते हो या 15 मिनट भी चल जाता है। नहीं हेकेनशी में मत करो, हेकेनशी में सिर्फ आप ट्रेंड एनालिसिस से कर सकते हो। बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये ग्रीन यहाँ पे था, फिर यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे, फिर से रेड हुआ आप निकल जाओ, फिर से ग्रीन हुआ, यहाँ से ट्रेड लिया होता 30,500 से तो वो 30,800 तक गया था, तो 300 पॉइंट का रैली दे दिया था उसने, और जब ये रेड हुआ देखो ना, रेड 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 हुआ, रेड के बाद तो आपको, तो आप प्लीज हेकेनशी जो है ना, मतलब अगर यहाँ पे रेड है 15 मिनट में, मैं आपको इंट्राडे का और एक टिप, अगर ये रेड है तो आप कॉल बाय नहीं कर सकते, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ ट्रेड इन पुट साइड, कॉल साइड, आपको पुट में ही बाय करना है। पुट नहीं लेना तो फिर रिलैक्स बैठो, अगर ये ग्रीन है तो आप पुट साइड में ट्रेड नहीं कर सकते, अगर ये रेड है देन अभी आप अलाउ हो कि भाई ये पुट साइड, बट ये डे ओवर हो चुका है ना, इंट्राडे में एटलीस्ट आपको उतना देखना है कि पुट साइड में करना है कि कॉल साइड में करना है, जैसे अपने टीसीएस में था कल। एंड में ये सेलिंग आया, ह्यूज सेलिंग आया एंड में, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कॉल बाय करने के लिए दिया था, शायद यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वो मैं इन्फोसिस में बिजी था, बट इसके बाद में वो 57 to 63 चला गया था ऑलमोस्ट, मैंने बुक किया, मैंने 1,500 यहाँ पे बुक कर लिए थे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सुने, बट ये ऐसे कुछ नहीं है 15 मिनट, बट इसको अगर आप डेली में देखोगे तो ये अप ही है ना, तो अभी ये 15 मिनट में रेड है, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए क्या, कि अभी रेड टू बाद, रेड के बाद जब भी ग्रीन होगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसमें मैं अभी ट्रेड ले सकूं, इसमें भी ट्रेड लेने लायक है टीसीएस में, जब भी वे रेड टू ग्रीन होगा कोई भी 15 मिनट लो 5 मिनट लो, दैट विल बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि वो बड़ा टारगेट लेके जाएगा, ये थोड़ी ग्रीन रेड ही रहेगा। क्यों क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसका हायर टाइम फ्रेम मतलब डेली का हायर टाइम फ्रेम क्या है, ग्रीन में है। अगर हायर टाइम फ्रेम ग्रीन में है तो 5 मिनट में उसका पहले दिन का देखो ना, ये पहले दिन का देखो, पहले दिन ये है क्या है, ग्रीन ही है, तो उसका पहले दिन का देखो, जब भी वो ग्रीन रेड रहेगा, रेड के बाद ग्रीन हुआ है तो उसका पहले दिन है तो वो ग्रीन ही था, बट देखो ना उसके पहले दिन रेड के बाद जब भी ग्रीन हुआ है तो भी उसने एक अच्छा रैली दी है, वो रैली के संकेत है, तो ये भी रेड के बाद जब भी ग्रीन रहेगा आप बाय कर सकते, दैट इज लाइक वन ऑफ द अनदर टूल मैंने आपको दिया हेकेनशी का, विद द हायर टाइम फ्रेम के साथ आप मैच करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद आप उसको 50 डे मूविंग एवरेज के साथ अटैच कर सकते हैं ऐसे, तो जब तक 50 डे मूविंग एवरेज है तो देखो, अब इनको हेकेनाशी के साथ करना है, बहुत सिंपल ट्रेडिंग होता है,
एक सेटअप आपका बन गया है। 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको रेड कैंडल ने ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करो ये कैंडल होने के बाद, यहाँ पे भी आपको प्राइस मिला 2880, उसके बाद में 2852, 30 पॉइंट्स का रैली मिला। 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे वो सपोर्ट लेने आता है। मैंने डाउ थ्योरी लास्ट टाइम सीखा था, अगर किसी को पता है तो देखो, मार्केट कभी भी अप ट्रेंड ऐसा नहीं होता। वो अप ट्रेंड कैसे देगी, अगर हायर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड ऐसे देता है। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स कहाँ पे मिलते हैं हमको, मुझको ये पॉइंट्स 60-70% ना 50 डे मूविंग एवरेज पे मिलते हैं। आप जाके चेक करना, वो ऑलवेज सपोर्ट। देखो ये ऐसे, ये अप गए, ये डाउन आया, देखो ये डाउन। तो ये जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे जब भी आपको डीप मिलता है, दैट विल बी द चांस टू टेक द ट्रेड, उसको ट्रेड में लेने का। इसको भी बाय नहीं कर सकते तो उसको वेट करो, ये 50 डे के ऊपर आने दो, फिर हम लोग सस्टेन होने के बाद उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग रिलायंस में भी देखते हैं। देन यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम। कोटक में देखो, कोटक में था कल, बहुत बड़ा, मेरा यश करके स्टूडेंट है, उसका सेटअप यही है, उसने भी मेरा कोर्स किया था। वो 15 मिनट 3 मिनट में हायर टाइम फ्रेम के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेता है ये कोटक में। उस दिन उसने ये ट्रेड लिया था, ही अर्न ऑलमोस्ट 18,000, और डेली सिंसियरली मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है। क्या किया था, 50 डे यूज करता है वो, जनरली अपना सॉफ्टवेयर सिग्नल भी यूज करता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये जो था पहले कंफर्मेशन, एक सेटअप तो देख ले, जो इंट्राडे एटलीस्ट बेसिक भी यूज करोगे ना तो भी आपके लॉसेस कम हो जाएगी। ये रेड होना चाहिए, अगर आपको नॉर्मल कैंडल पैटर्न नहीं समझ में आता तो भी चलेगा, बट अगर आप नॉर्मल कैंडल पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ब्रेकआउट था और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, फिर इसके बाद ये 1956 से डायरेक्टली जो आया यहाँ पे, कहाँ पे, जब तक ये रेड है तब तक बने रहो, ग्रीन आने के बाद यहाँ पे निकल जाओ तो भी यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिले आपको। फिर से बाय किधर करना है, यहाँ पे तो नहीं करोगे, देखो यहाँ पे कहाँ पे तो बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय करो 1940 के, यहाँ पे ये कहाँ तक गया, 47 तक गया, फिर से नीचे, फिर से ये कैंडल ने अप दे दिया। ठीक है, तो आपका अगर बेसिक प्राइस एक्शन अगर स्ट्रांग है तो बाय यूजिंग दिस सेटअप यू कैन, बट आप पैटर्न वगैरह जो भी कुछ है वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही देखोगे, कैंडल स्टिक पैटर्न में ही ड्रॉ करोगे, हेकेनाशी पे नहीं। हेकेनाशी पे सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन देखोगे, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है, और आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे आपको वो उतना है। जैसे मैंने बोला कि आप यू कैन इनिशियली स्टार्ट विद द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो ना, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अभी कोई तो मुझे बताएगा, देखो ये कौन सा पैटर्न है, ये 3 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक डाउन है, बाद में ग्रीन है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार ऊपर चला गया, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे आपको दिखेगा। ये कौन सा पैटर्न है देखो, वो जनरली 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे है, कौन सा पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग था। ठीक है, ये पहले बुलिश हरामी था, उसको हाई नहीं किया, बाद में बुलिश एंगल्फिंग बना, उसके बाद में आ गया, ये बेरिश एंगल्फिंग है, बट उसका लो गया ही नहीं ना, उसका लो कल गया और फिर कल उसने बहुत बड़ा टारगेट दे दिया। ठीक है, यू कैन ट्रेड लाइक दैट स्नाइपर, कि आप लोअर टाइम फ्रेम में आके उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। म्यूट 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 ऑल। तो ये था मेरा 50 डे मूविंग एवरेज विथ कैंडल स्टिक पैटर्न विथ हेकेनाशी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है देन यू कैन ट्रेड। कि और देखो, ट्रेंड लाइन सीखना वो आपको ही सीखना पड़ता है, मतलब वो कोई सिखा नहीं पाएगा। जितना बड़ा आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस, देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, मैं तो जस्ट जब भी दिखूंगा तो पहले मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। एक चैनल था, ये चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे कर लिया 50 के ऊपर है, फिर यहाँ से बाइंग जोन है, फिर से यहाँ पे था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ कल, जो परसों जिस दिन हुआ यहाँ पे, देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ये कैंडल के बाद तो शॉर्ट ही करना था 1950 के यहाँ पे, वो कितना पॉइंट दिया, 30 पॉइंट्स देखे गए यहाँ पे, इज दैट क्लियर। तो लाइक अ स्नाइपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये था मेरा। बहुत जन मुझे कल भी मैसेज किए थे, सर वो आपके यश जो स्टूडेंट है वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो लास्ट टाइम के वीडियो में भी मैंने बताया था, आज भी एक बार बता देता हूँ। क्या करते हैं, अपने दो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर है, कि जहां पे आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, लाइक
क्लाइंट्स के साथ, मतलब ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है, देखो कोटक महिंद्रा बैंक ने कल डायरेक्टली सपोर्ट ही ब्रेक किया था, तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके आ जाता है। तो पहले 5 मिनट का कैंडल ही डिसाइड हो जाता है, 5 मिनट के कैंडल पे। देखो ये 5 मिनट का कैंडल सपोर्ट पे था, बाद में ये ब्रेक जैसे ही हुआ हम लोग एंट्री ले सकते थे, ये डोजी जाने के बाद आपको इजीली पैसे मिलेंगे। सेम कल ये बैंक निफ्टी में भी कहानी थी, मैंने कल ये लाइव मार्केट में ड्रॉ करके बताया था। ये अपना सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बताऊंगा। देखो मैं यहाँ पे आया तो भी मैंने बोला कि भाई ये सपोर्ट लेने आ रहा है, फिर मैं बोला, मैंने क्या बोला, मैं 3 मिनट पे ट्रेड करूँ, 3 मिनट में बहुत फास्ट ट्रेड होता है बैंक निफ्टी में। देखो यार, तो जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ, दिख रहा है ये कैंडल, मैंने पुट का कॉल दे दिया। पुट क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना, जब भी मार्केट गिरने वाला होता है तभी हम लोग पुट को बाय करते हैं। पुट, पुट को हम लोग पीई बोलते हैं, जिसको हम लोग बाय करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पीई बाय किया था, जिसने ऑलमोस्ट मुझे 150 पॉइंट्स दिए यहाँ तक। अगर मार्केट बढ़ने वाला होता है तो हम लोग क्या बाय करते हैं? कॉल बाय करते हैं, जिसको हम लोग सीई बोलते हैं। ये कॉल पुट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कभी फुर्सत में के। तो ये रेडीमेड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करके जा रहा है तो बहुत बड़ा टारगेट देगा, और नीचे से फिर से सपोर्ट ब्रेक करके सपोर्ट के यहाँ पे ये कौन सा कैंडल दिया है उसने, एंगल्फिंग दिया है। इसके बाद अगर आप ट्रेड ले सकते हैं, 720 के बाद उसने 800 था, मतलब 100 पॉइंट का रैली दिया। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट मतलब आप ऑप्शन में भी आपका पैसा डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। तो दिस इज लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे हम लोग इसको काम करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छे से काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप इसको यूज करना जान गए तो ये आपको बहुत बड़ा पैसे देके जा सकता है। देखो यहाँ पे परसों दिन भी, यहाँ पे भी हम लोगों ने पुट खरीदा था, क्या किया मार्केट, और ये हफ्ते में 2-3 बार तो आपको अच्छे अच्छे से आपको देखना है कि ये रेड जोन है, मतलब रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट जोन है। सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है पहला ही कैंडल, पहला दूसरा कैंडल, उसके बाद मैं पुट दे देता हूँ यहाँ पे, मस्त में आपको टारगेट मिलेगा। और जब तक ये रेड लाइन भी है, ये गैन नंबर का लाइन है, ये रेड लाइन जब तक है उसके नीचे प्राइस है वो आपको शॉर्ट में देके जाएगा। ठीक है, दिस इज अपना एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर 3 बोलते हैं इसको। वैसे अपना एक सॉफ्टवेयर 1 है। देखो ये सॉफ्टवेयर 1 में क्या क्या है, दो इंडिकेटर यूज हुआ है, वैसे तो 3-4 यूज हुआ है, बहुत जन इसको सुपर ट्रेंड बोलते हैं, बट ये नॉर्मल सुपर ट्रेंड नहीं है। देखो ये इंडिकेटर फ्री में भी होते हैं, बट मैंने क्या किया, मेरा स्किल अप्लाई करके कंबाइन करके उसको इम्पैक्ट दिया। तो ये सुपर ट्रेंड नहीं, ये एटीआर प्लस सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन, मतलब एवरेज ट्रू रेंज उसको वो कैलकुलेट करता है, फिर एक सुपर ट्रेंड नाम का एक इंडिकेटर उसको मर्ज किया, फिर तभी जाके ये आपको सेल एंड बाय देता है। ये मेरा सिग्नल लाइन है ट्रेड फॉर वेल्थ का, कि जिसमें मैं वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ, प्रीवियस कैंडल्स का हाई लो वो कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेट जब भी ये सेल दिया है उसके साथ ये भी रेड है 3 मिनट के कैंडल में, तभी हम लोग पुट बाय करेंगे मस्त में। और कब तक रहेंगे, जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक, तो यहाँ पे आप निकल जाओगे। आप इतना प्रॉफिट भी मोर देन सफिशियंट, इसमें आपको 100-150 पॉइंट मिल जाता है, 100-150 पॉइंट मतलब 2 से 3 हजार रुपया एक लॉट पे, ऑप्शंस के लॉट पे बोल रहा हूँ मैं, फ्यूचर भी नहीं, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 5 हजार का और आप प्रॉफिट कर रहे हो 2 हजार 3 हजार, वो तो गया। फिर आपको बाय कभी करना है, यहाँ पे नहीं बाय करोगे, यहाँ पे आप निकल जाओगे। अभी मुझे क्या करना है, वेट करना है। कल देखो दो सिग्नल आए थे, अभी मुझे क्या करना है, वेट करना है। मुझे ऐसा सिग्नल चाहिए कि ये जो एटीआर बेस्ड सुपर ट्रेंड है वो बाय दे, ठीक है, और मेरा जो ट्रेड फॉर वेल्थ का सिग्नल है वो भी बाय दे। यहाँ पे ट्रेड फॉर वेल्थ सिग्नल ने बाय दे दिया था, इसका मतलब मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि ये टर्न, क्योंकि मैंने बोला ये वॉल्यूम बेस होता है, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल का हाई लो वो सब कैलकुलेट करके, मार्केट का करंट पोजिशन क्या है, ओपन पोजिशन, उसके ऊपर काम करके ये आपको बाय सेल देता है। जैसे ओपन इंटरेस्ट नाम का एक इंडिकेटर है, आपको दिखेगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नाम का, उसको भी मैंने ऐड किया। एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट, ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर जो है उसको वॉल्यूम के साथ मर्ज करके फिर ये दिया हुआ है। तो ये जब भी बाय देगा, और मेरा ट्रेड फॉर वेल भी बाय है सिग्नल, ये दोनों सिग्नल यहाँ पे बाय थे, यहाँ से मुझे बाय करना था, मस्त में रैली दिया। तो ये गिरते हुए मार्केट में भी पैसा मिला, बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा मिला, दोनों बाजू में पैसे मिले। देखो कितना ट्रेडिंग इज अ सिंपल, आपको इंडिकेटर बेस करना है तो बस ये इंडिकेटर ले लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, ये बाय में ही था, अभी मुझे सेल के लिए करना, तो मुझे क्या करना है, वेट करना। देखो यहाँ पे सिग्नल मेरा सेल का आया, यहाँ पे भी ये सेल था, ये भी सेल था, मैं तो मैंने सेल कर दिया, ज्यादा नहीं दिया मुझे। देखो यहाँ पे लॉस हुआ तो भी कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, देखो यहाँ पे इसने ग्रीन दिया और मेरा शॉर्ट यहाँ पे कहाँ पे था, माइनूट लॉस हुआ। ठीक है, बट अभी इसको मैं क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम के साथ मैं करता हूँ, मतलब मुझे हर एक बाय और हर एक सेल नहीं लेना, मैं क्या करता हूँ, यही वो क्या करता है यश, क्या करता है,
वो क्या करता है, 5 मिनट का सिग्नल देखता है। 5 मिनट का सिग्नल क्या है, 5 मिनट का सिग्नल अगर ये सेल है, दिख रहा है यहाँ पे, इधर मैं एक लाइन कर देता हूँ, लेटर से वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन क्या, वो क्या करता है, 5 मिनट का सिग्नल यहाँ पे सेल दिया, तो वो 1 मिनट में जाएगा, 5 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन वो यूज करता है, दिन भर में 10-15 ट्रेड ले लेता है मिनिमम, और उसका प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, इंडिकेटर तो अभी सबके पास है बट सभी ट्रेडिंग कर पाते हैं ऐसे नहीं है ना। ये देखो, तो 1 मिनट में जब भी वो सेल देगा, वो डबल स्क्रीन मेथड यूज करता है, यहाँ पे डबल स्क्रीन मेथड है, वो मेरे ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, फिर वो सेल में रहेगा, तो 1 मिनट में वो जल्दी बाहर निकल, देखो यहाँ पे वो बाहर बुक करके चला जाता है, तो ज्यादा वेट नहीं करता। अभी मुझे बताओ ये 1 मिनट में ये बाय वाला सिग्नल लेगा क्या, वो नहीं लेगा 1 मिनट में बाय, क्यों, क्योंकि मेरे 5 मिनट का अभी भी सेल ही चल रहा है ना, तो फिर से ये जब भी सेल आएगा तभी सेल लेगा ये, देखो ये ना सेल आया ना, तो सेल लेगा वो, जैसे ये सेल होगा वो सेल लेगा, ये इंडिकेटर का भी नहीं, इधर ही वो सेल कर देगा, फिर से यहाँ पे सेल कर, फिर जब भी 5 मिनट में फिर से बाय आएगा तभी फिर वो 1 मिनट में बाय, मतलब 5 और 1 मिनट का, या 3 और 1 मिनट का, या 15 और 5 मिनट का, वैसे कॉम्बिनेशन वो यूज करता है। तो अभी 1 मिनट में क्या है, अभी 5 मिनट में क्या चल रहा है देख बता दो मैं आपको, बैंक निफ्टी का अभी क्या है, 5 मिनट यहां से उसने बाय दिया, या पहले ये रेड था ना, सेल था, तो मैं सारे सेल के ही सिग्नल लूंगा 1 मिनट में जाके, कल पहले सेल के सिग्नल ही लूंगा, तो सेल के सिग्नल पहला कौन सा था, जो पहले ओपनिंग में मिला था यहाँ पे, दिख रहा है, वो पहले दिन से ही चल रहा था, तो सेल 1 मिनट में भी बड़े बड़े टारगेट मिले, फिर वो ये बाय को अवॉइड करेगा, ये सेल कर सकता है, ये सेल किया रहेगा उसने शायद, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकला रहेगा, फिर ये बाय आया, फिर बाय आया तो फिर वो 5 मिनट में भी बाय था ना, ये जो बाय था ये दिख रहा है, ये 1 मिनट और 5 मिनट का बाय सेम रहेगा, देखो यहाँ पे, उसके बाद वो बाय का ही सिग्नल लेगा, सेल के सिग्नल अवॉइड करेगा, आप वैसे कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का भी मैं 2 दिन का फ्री ट्रायल देता हूँ, दोज आर इंटरेस्टेड फ्री ट्रायल ले लें, फ्री ट्रायल में सिर्फ सॉफ्टवेयर 1 ही मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसके साथ अपना ये भी आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आते हैं, जिनको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो वहां पे ही मार्केट टर्नआउट होता है, यहाँ पे अगर मैंने सेल किया तो मेरे सपोर्ट यहाँ पे, तो सपोर्ट के यहाँ पे उसको बुक करना है, या वो भी तोड़ के जा रहा है तो नीचे वाला सपोर्ट, तो नीचे वाला सपोर्ट यहाँ पे था, देखो ना वहां से वो मार्केट टर्न, तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये एक इंडिकेटर आपको मिलता है कि जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आता है, शॉर्ट के 2 सिग्नल्स आते हैं, एक सिग्नल लाइन आता है, एक ATR बेस्ड सिग्नल लाइन आता है, ये एक ही कॉम्बो है, तो वो आप यूज कर सकते हो। ऐसे 3 सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं आपको, डेली 2 से 3 कॉल्स भी मिलते हैं उसमें, तो यू कैन डू द सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन था कि स्टॉक एनालिसिस कैसे करना, दोज आर न्यू टू द मार्केट, मैं ऑलवेज बोलता कि जो मैंने 10 स्टॉक्स रेकमेंड किया ना, आप उसको ही फोकस करो, अपार्ट फ्रॉम दैट जाने की कुछ जरूरत नहीं है। या आइदर आप क्या करोगे, मॉर्निंग में जाओगे NSE इंडिया पे जाओगे, ओल्ड साइड ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लाइव मार्केट में जाओगे, आइदर आप क्या कर सकते हो, प्री ओपन मार्केट में भी देख सकते हो क्या चल रहा है, ये प्री ओपन मार्केट जैसे ही आप ओपन करोगे आपको पता चल जाएगा, मैं जनरली देखता हूँ प्री ओपन मार्केट, प्री ओपन मार्केट मतलब मार्केट चालू होने से पहले ही एक मूवमेंट होता है ना, पता है सबको कि 9-7 को ही हो जाता है, तो उसमें आपको पता चलेगा, देखो क्या थे, कौन से स्टॉक ज्यादा दिख रहे, देखो ये प्री ओपन है, ये चेंज नहीं होता, प्री ओपन जो है वो टॉप 10 में कौन से स्टॉक्स दिख रहे, पहला इन्फोसिस है जो मैंने दिया था, पहले दिन ही दिया था, इन्फोसिस है, HCL टेक है, TCS है, तो मेरा टेक महिंद्रा है, तो आपको पहले से पता चलना चाहिए भाई आज तो जो भी कुछ है मेरा किसका दिन है, सारे सॉफ्टवेयर का दिन है, ठीक है, तो उसमें मैं करूंगा, जिस दिन फार्मा का दिन रहेगा सारे फार्मा के स्टॉक्स रहेंगे, तो देखो ना प्री ओपन में आपको सब फार्मा और वही दिखेगा, ज्यादा कुछ दे, तो आइदर आप प्री ओपन में आके जो टॉप 5 में रहेंगे, जो परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा किसका है, उसमें चेंज चेस करो कि ये पहले 3 स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूंगा, वैसे आप कर सकते, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, या आप क्या कर सकते हो, और एक क्या है, लाइव मार्केट टॉप 10 गेनर और लूजर्स में जा सकते हो, कि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो आप टॉप 10 गेनर्स में जाओगे, मार्केट नेगेटिव, बट आजकल ऐसा होता नहीं है, मार्केट इतना उलट है, लेकिन कल की बात करो तो मॉर्निंग में 100 पॉइंट नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव में आ गया, ठीक है,
तो गेनर में आप दिखेगा, गेनर में भी देखो आपको सब दिखेगा, क्या दिखेगा, डॉक्टर रेड्डी, इंफोसिस, मतलब ऑलमोस्ट टीसीएस, इंफोसिस और फार्मा स्टॉक, उसमें ही बड़ा ये है। तो आप वैसे स्टॉक वहां से स्टॉक सिलेक्ट करो, बट सबसे सुप्रीम क्या है, आप नए हो तो जो 10 स्टॉक्स मैंने आपको रेकमेंड किया आप उसमें ही देखो। आप एशियन पेंट देखो ना, और पीडी लाइट देखो, मैंने बताया था ना आपको, अभी बताया आपको, देखना है तो देखो पीडी लाइट। ये मैंने मेरे खुद के स्कैनर्स बनाए जो मेरे एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हो, देखो ये पीडी लाइट, ये पीडी लाइट, पीडी लाइट मेरे इसमें भी था। मैंने कहा 5 मिनट, देखो 5 मिनट कहाँ पे बाय दिया, सपोर्ट क्या पे बाय दिया, यहाँ से बाय करो, बाय जोन में ही था ये, कल का ही है, देखो मॉर्निंग में उसने बाय दिया था। तो कर सकते थे ना, आपको फिर दूसरे स्टॉक देने की जरूरत है, मैंने 10 स्टॉक दिया हुई देखो ना यहाँ पे। फिर एशियन पेंट देखो, तो स्टॉक सिलेक्शन है ऐसे, बट वो 10 स्टॉक्स भी सफिशियंट है। क्या था, यहाँ से बाय दिया था, बट ये बाय होने के बाद ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे, तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ बाद में आपको एंट्री, तो इसका वर्किंग कैसे करना है सॉफ्टवेयर का यूज करके, उसके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ, वो एब्सोल्युटली फ्री होता है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स अ टाइम, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वो लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो लोग कर दो, तो डेली वहां पे मैं कॉल्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है।